मेरे साथ क्या हुआ था कि जब मैंने मेरी वीडियो डाली थी, फिर मेरे मतलब मेरे जब 80 सब्सक्राइबर थे, 80 मात्र 80, अच्छा। अभी तो 80,000 हो चुके हैं पर जब 80 थे तब मैंने एक वीडियो डाली थी, मेरे डेयरी फार्मा की वीडियो डाली। फिर उन्होंने मेरे मतलब मेरे फ्रेंड्स ने मुझे इतना इतना मेरा मजाक उड़ाया कि यार देखो ये यूट्यूब पर ऐसी वीडियो बना रहा है, ये लिख देता है, ये कर देता है और बोलता है हेलो किसान भाइयों मैं आपको ये बताने वाला हूँ, तो मेरा मजाक उड़ाते थे। हाय फ्रेंड्स, मैं राकेश ढाबे और आपके लिए आज मैं एक इंस्पायर कर देने वाला वीडियो लेकर आया हूँ। हमारे बीच में है रामदयाल जी परमार, जो कि यूट्यूब से अच्छी खासी अर्निंग करते हैं और खुद किसान भी हैं, साथ ही साथ स्टूडेंट भी हैं और अभी मात्र 18 साल के हैं ये, और यूट्यूब से कितना अर्न करते हैं इसके ऊपर इनसे हम एक एक क्वेश्चन करेंगे और इनकी सारी पेमेंट जो भी अभी तक 6-7 पेमेंट इनकी आ चुकी है उसके ऊपर हम एक एक क्वेश्चन करेंगे और एक एक पेमेंट का इनसे पूछेंगे कि कितनी कितनी इनकम हुई है इनको। तो सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं कि रामदयाल जी, आपको यूट्यूबर बनने का पता चला कि आपको यूट्यूबर बनना है? जी देखिए, मेरी जो स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी कि मेरे यहाँ पर मेरा खुद का डेयरी फार्म है। अब उस डेयरी फार्म में मुझे काफ़ी सारी दिक्कत आ रही थी, तभी मैंने सोचा कि ये जो दिक्कत आ रही है ये बाकी सारे किसान भाइयों को भी दिक्कत आ रही है, तो मैंने उसी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। और फिर मैं उन वीडियो के माध्यम से उन किसानों के पास गया जिसने ये प्रॉब्लम फेस करी थी और फिर उन्होंने उसका उपाय बताया, फिर उस उपाय से मैंने वो वीडियो बनाई और फिर मेरे किसान भाइयों को दी, जिससे कि उन्हें काफ़ी लाभ मिल रहा है। तो इस विषय में मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। तो दोस्तों, इनका चैनल है फार्मर चॉइस के नाम से, जो कि किसानों की समस्याओं के ऊपर वीडियो बनाता है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो आप उसको विजिट कर सकते हैं। तो रामदयाल जी, आपकी फ़र्स्ट पेमेंट कितनी आई थी यूट्यूब से? मेरी फ़र्स्ट पेमेंट की अगर मैं बात करूँ तो मेरी फ़र्स्ट पेमेंट आई थी 7,500 रुपये, 7,500 जो कि मेरी फ़र्स्ट पेमेंट थी यूट्यूब से। जी तो आपको यूट्यूब पर काम करते हुए कितना समय हो गया? मुझे करीबन अभी यूट्यूब पर काम करते हुए 1 साल होने आ गया है। 1 साल हो चुका है? 1 साल कम्प्लीट हो चुका है। अच्छा, तो आपको इस चीज़ का कैसे नॉलेज हुआ कि आपको यूट्यूब से इनकम मिलेगी या यूट्यूब पर वीडियो डालूँ मैं? देखिए, मैंने जो यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था वो किसी पैसे के माध्यम से नहीं किया था। मुझे जो दिक्कत आ रही थी, जो कि मैंने ये प्रॉब्लम आपको बताई है, पर जबकि मुझे आइडिया जो मिला है यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का वो यूट्यूब से ही मिला है। अच्छा। जब मैं यूट्यूब छोटा था, जब मैं चला रहा था, तब मुझे वहाँ पर दिखे कि यूट्यूब से पैसे कैसे कमाएं, वो वीडियो देख कर मैंने फिर उसमें धीरे धीरे काम चालू करना किया और उसके बाद चैनल स्टार्ट हुआ। तो आपको पहले ही चैनल में सक्सेस मिल गई या फिर क्या दिक्कतें आई आपकी लाइफ में यूट्यूब को लेकर? मुझे अभी तक तो मेरा जो ये फर्स्ट चैनल ही है, मैंने ये फर्स्ट चैनल ही बनाया था और इस पर मैंने पहले बना कर रखा था जब मैं उस पर काम नहीं कर रहा था, और उसके बाद मैंने इस पर अभी जो कि 1 साल पहले इस पर काम चालू किया है और आज मुझे बहुत अच्छा मुकाम मिल चुका है यूट्यूब पर। अच्छा। तो रामदयाल जी से पूछेंगे कि अभी आपके सब्सक्राइबर कितने हैं? मेरे अभी करीबन 80,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। 80,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं जी, 80,000 प्लस। तो रामदयाल जी, अब समय आ गया इनकी सेकंड पेमेंट का पूछने का। तो रामदयाल जी, आपकी सेकंड पेमेंट कितनी आई थी? मेरी सेकंड पेमेंट आई थी जो कि 8,500 रुपये से ऊपर आई थी। अच्छा। सेकंड पेमेंट। अच्छा, तो रामदयाल जी अभी आप कौन सी क्लास में स्टडी कर रहे हैं? मैं अभी 12th क्लास में स्टडी कर रहा हूँ। कौन से सब्जेक्ट से? मैं कॉमर्स से के साथ में 12th कर रहा हूँ। तो रामदयाल जी, आपने YouTube को एक एज अ करियर सोच लिया कि अब आगे से इसी को करियर बनाना है या फिर आपके कोई और ड्रीम्स भी है? जी देखिए, मुझे जो YouTube पर है वो अभी मेरे मतलब थोड़ा सा ही काम किया, मुझे इस पर बहुत सारा काम करना है, बहुत सारी वीडियो लानी है ताकि मैं और नॉलेज खुद भी ले सकूं और दूसरों को भी दे सकूं। तो आपने जैसे आज का यूथ ये सोचता है कि हम तो कोई मॉडर्न वीडियो बनाए, मतलब अजीब मतलब कॉमेडी टाइप वीडियो बनाए, आप इस उम्र में भी किसानों के लिए सोचा और आपने किसानों के लिए वीडियो बना रहे, ये कैसे मतलब इंस्पायर हुए इस चीज़ के लिए आप? देखिए, आज के विषय में आपको सारे टॉपिक पर बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे, पर आपको एक ऐसी कैटेगरी फार्मिंग जिस पर आपको बहुत कम लोग ही जानकारी देते हैं, डेयरी फार्म के बारे में अगर कोई जानकारी बहुत रियरली आपको देखने मिलती है यूट्यूब पर भी, तो इसीलिए मेरा खुद का भी डेयरी फार्म है और मैंने इसीलिए इस टॉपिक को चुना ताकि मैं इसमें और नॉलेज ले भी सकूँ और साथ में लोगों को दे भी सकूँ। अच्छा, आपका खुद का डेयरी फार्म है? जी। तो वहाँ पर कितने स्क्वायर फीट का है, कितनी गायें हैं, क्या है, बताएंगे थोड़ा आप हमारे व्यूवर्स को? पहले जो हमारा डेयरी फार्म था वो काफ़ी मतलब कच्चा और टूटा हुआ था, उसके बाद अभी हमने मॉडर्न डेयरी फार्म बना लिया है और उसके बाद जो अभी हमारे पास करीबन 30 गायें से भी ज़्यादा हमारे घर पर गायें हैं।
तो दोस्तों अगर आपको इनके डेयरी फार्म को विजिट करना है तो आप इनके चैनल पे जाइए और वहाँ पे सारी वीडियो मिल जाएगी आपको, तो डेयरी फार्म के बारे में आपको वहाँ पे भी नॉलेज मिल जाएगा। और रामदयाल जी उस डेयरी फार्म में आप खुद काम करते हैं कुछ डेयरी फार्म में? जी सर मैं खुद करता हूँ वहाँ पर। क्या काम करते हैं सर? कभी जैसे कि दूध भी निकालता हूँ। अच्छा। और कभी अगर कुछ हरा चारा वगैरह डालना हो गायों को तो मैं खुद भी डालता हूँ सर। तो अब समय आ गया है तीसरी पेमेंट पूछने का, तो रामदयाल जी बताइए आपकी तीसरी पेमेंट कितनी आई थी यूट्यूब से? मेरी तीसरी पेमेंट आई थी 12,000 रुपए। अच्छा, तो दोस्तों देखिए पेमेंट बढ़ती जा रही है, तीसरी पेमेंट आई थी इनकी 12,000 रुपए। रामदयाल जी फिर आपको अब कैसा लगता है? आपके शुरू में दिक्कत आई थी कि माता पिता से, या फिर आप वीडियो बनाते हैं तो क्या करता है? जी देखिए शुरुआत में सभी को दिक्कत आती है कि अगर आपका, अगर जैसे मैं भी मान लो, अगर मेरे माता पिता भी अगर मेरे फ्यूचर को देखते हैं कि ये क्या कर रहा है, वीडियोस बना रहा है, तो सबको दिक्कत लगती है। पर जबकि उनको इतना प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है यूट्यूब के बारे में कि हाँ इस चीज़ से भी कोई इतना आगे जा सकता है, इस चीज़ से भी पैसे बन सकते हैं। और मेरे जो माता पिता, उनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता था कि ऑनलाइन से भी अगर कोई पैसे कमा सकता है, ऑनलाइन से भी यूट्यूब से कोई घर पर बैठ कर पैसे कमा सकता है, ऐसा मेरे गाँव में भी किसी को नहीं लगता था। पर अब कुछ समय से उनको लगने लगा है कि हाँ यूट्यूब से भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो आपको पहली पेमेंट आने में जो दिक्कतें हुई तो उसके बीच की कुछ घटनाएं आप बताएंगे थोड़ा? जी मेरी जो पहली पेमेंट आई थी उसमें बहुत सारी दिक्कत आई थी, मतलब कि मुझे कम से कम पहली पेमेंट रिसीव करने में चार महीने लग गए थे। अच्छा। मुझे 4 महीने तक इतना मतलब कि परिश्रम करना पड़ा उस पेमेंट के लिए, क्योंकि मैं एक गाँव वाले इलाके में रहता हूँ, यहाँ पर ना तो किसी को स्विफ्ट कोड पता है, ना ही कोई इस चीज़ के बारे में मुझे नॉलेज दे सके कि कुछ ऐसा आपको करना होगा, वेरिफिकेशन होता है, आईडी वेरिफिकेशन होता है। इसको मुझे बहुत सारी दिक्कत आई कि मैं क्या करूं। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी और काफ़ी सारी गलती होने के बाद भी मैंने इसको सुधार करते करते काफ़ी गलती भी करी। मैंने आईडी वेरिफिकेशन मेरा फेल हो चुका था, मैंने उस पर मेरे चैनल की वीडियो, मेरे चैनल का फोटो अपलोड कर दिया था, मुझे उस चीज़ का नॉलेज नहीं था उस समय, तो उससे मुझे काफी सारी दिक्कत हुई। अच्छा, घर में आपने बताया कि आपकी फर्स्ट पेमेंट आने वाली है, तो मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था? और वो कितने, अगर समय लग रहा था उसमें, तो फिर क्या मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था? देखिए मैंने उनको बोल दिया था कि मेरी फर्स्ट पेमेंट इस महीने की 22 तारीख को आ जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। उस महीने भी मेरी पेमेंट इंदौर में रोक ली गई। वहाँ पर वो पता है अगर आपकी यूएस से पेमेंट आई है तो क्या आई है, वो सारी डिटेल मांगते हैं। बाहर से पेमेंट आ रही है अगर तो सारी डिटेल मांगते हैं, वो सारी डिटेल मैंने उस टाइम दी नहीं, तो मेरी पेमेंट उस समय भी रुक गई। अब मैंने मम्मी पापा को बोल ही दिया था कि मेरी जो पेमेंट है वो आने वाली है, पर ऐसा हुआ नहीं और मेरी जो पेमेंट है वो रुक गई। तो उनके बाद उन्होंने भी बोला, काफ़ी समझाया मुझको कि बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होता, यूट्यूब से कोई भी पैसे नहीं, मतलब ऑनलाइन कोई भी अर्निंग नहीं होती। हाँ, घर पे बैठकर तू कैसे कमा सकता है, सब पागल है क्या, सब कमा लेंगे, ऐसी बातें बोली। सब कमा लेंगे तो फिर मतलब वीडियो बना के कमा लेंगे तो? हाँ, सब ऐसे, सभी ऐसा कमा, मेहनत कौन करेगा, मेहनत कौन करेगा। सही बात है, सही है, सभी के साथ ऐसा होता है कि जब फर्स्ट पेमेंट अगर आने वाली और आपके मम्मी पापा को या आपके घर में किसी को पता नहीं है इस चीज के बारे में, तो दिक्कत जरूर आती है। जी रामदयाल जी, आपकी फोर्थ पेमेंट कितनी आई थी? मेरी फोर्थ पेमेंट थी वो थोड़ी सी डाउन चली गई थी, मेरी फोर्थ पेमेंट वो 9,500 रुपए आई थी। मतलब अप एंड डाउन होता रहता है यूट्यूब पेमेंट में, व्यूज के ऊपर डिपेंड करता है। आपको जिसको पता नहीं है मैं बता दूं कि पेमेंट हमेशा लाइक और सब्सक्राइब करने के नहीं मिलते हैं, व्यूज के ऊपर पेमेंट आता है। जी रामदयाल जब आप बता रहे थे कि आपका ड्रीम क्या आगे? जी मेरा जो ड्रीम है वो काफ़ी सारे लोगों को अपने साथ में जोड़ने का है, काफ़ी सारे भाइयों को जो दिक्कत आ रही है उनकी प्रॉब्लम को मैं आगे फ्यूचर में और अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से, सरल तरीके से सोल्व कर सकूँ, ऐसी कुछ मेरी इच्छा है आगे फ्यूचर में। अच्छा, तो रामदयाल जी आपके जो फ्रेंड सर्कल है? जी अभी आप 18 साल के ही हैं? जी सर। स्कूल में मतलब पढ़ रहे हैं? हाँ सर। साथ में यूट्यूब भी चला रहे हैं? जी। आपकी फैन फॉलोइंग भी 80,000 के आसपास हो गई है? जी जी सर। और तो फिर गांव का मतलब माहौल बदला आपके प्रति, कैसे नजरिया हुआ लोगों का, आपके फ्रेंड सर्कल का, स्कूल का क्या माहौल है? जी देखिए आप भले कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ, कुछ भी कर लो, पर जो अपने दोस्त रहते हैं वो आपको उसी नज़र से देखते हैं, उसी तरीके से देखते हैं आपको कि नहीं यार भले आप कितने भी फेमस हो जाओ, कुछ भी कर लो, दोस्त होते हैं वो आपको उसी तरीके से हमेशा बुलाएंगे जिस तरह वो पहले बुलाते थे। नहीं, वो तो सही है, वो तो होना भी चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। हाँ सर। फिर भी जैसे जिन गाँव में मतलब या स्कूल में जिन लड़कों को या जिनको विश्वास नहीं होता था कि यार, हाँ मेरे साथ क्या हुआ था कि जब मैंने मेरी वीडियो डाली थी, फिर मैंने मतलब मेरे जब 80 सब्सक्राइबर थे, 80 मात्र 80। अच्छा।
अभी तो 80,000 हो चुके हैं, पर जब 80 थे तब मैंने एक वीडियो डाली थी, मेरे डेयरी फार्म की वीडियो डाली, फिर उन्होंने मेरे मतलब मेरे फ्रेंड्स ने मुझे इतना ये किया, इतना मेरा मजाक उड़ाया कि यार देखो ये यूट्यूब पर ऐसी वीडियो बना रहा है, ये लिख देता है, ये कर देता है और बोलता है हेलो किसान भाइयों हमें आपको ये बताने वाला हूँ, तो मेरा मजाक उड़ाते थे उस समय मुझे मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था कि अरे यार क्या बना रहा हूँ मैं भी, ये कंटेंट नहीं दूसरा कंटेंट बनाऊँ, ये छोड़ दूँ यूट्यूब छोड़ दूँ, मेरे काम का नहीं है, मेरे बस का नहीं है, पहली बात मुझे बोलना नहीं आता था, तो वो सब मेरे मजाक उड़ाते थे। क्लास में फिर धीरे धीरे बढ़ता गया, उसके बाद मुझे बोलने का तरीका भी आ गया, कैमरा फेस करने का तरीका भी आ गया, तो उसके बाद ये जो सारी चीज़ें धीरे धीरे कम हो गई। मतलब शुरुआत में मेरे साथ भी यही हुआ कि मैं जब मैं YouTube पे स्टार्टिंग में वीडियो बनाता था जी, तो यही शुरू में किसी का मोबाइल लेके सब्सक्राइब करना जी जी, या फिर ऐसे कुछ, तो वो हाय फ्रेंड्स जैसे अपन बोलते ना हाय फ्रेंड्स, तो सब तो दोस्त भी यही मजाक उड़ाते हैं कि आ गया हाय फ्रेंड्स, तो अच्छा लगता वैसे वो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपने हिम्मत नहीं हारी कभी जी सर, और हमेशा चलते रहे इस सफर में और YouTube पे सक्सेस प्राप्त करी आपने जी। इसके बाद आपकी पांचवी पेमेंट जो आई थी उसके बारे में बताने का समय आ गया दर्शकों को, तो आपकी पांचवी पेमेंट कितनी आई थी? मेरी जो पांचवी पेमेंट आई थी वो आई थी 10,500 रुपए। 10,500 रुपए, अब थोड़ी सी बड़ी, अब थोड़ी सी बढ़ती है, वो व्यूज के ऊपर एड्स के ऊपर आपका इम्प्रेशन कितना चल रहा है, CTR कितना चल रहा है, क्लिक्स वगैरह, हाँ ये इन सब पे डिपेंड होती है। तो सही है, तो रामदयाल जी का चैनल जरूर विजिट कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, इनका चैनल देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, तो इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। YouTube की पेमेंट के अलावा कोई और बेनिफिट हुआ है? जी हाँ, मुझे काफ़ी सारे लोग ऐसे लोग जो जिन्हें मैं नहीं जानता वो मुझे जानते हैं, जबकि मैं इंदौर के मेले में गया था वहाँ पर काफ़ी सारे किसान भाई मुझे मिले जो कि मुझे जानते, तो उन्हें देखकर बहुत खुशी होती है दिल में कि यार चलो कुछ तो कर रहे हैं, ताकि आज अपन को लोग यहाँ पर अनजान जगह पर कोई लोग अगर आपको पहचान ले तो इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। तो मतलब यूट्यूब पे आपको देखा और उस इंदौर के मेले में आपको देखते ही पहचान लिया? देखते ही कितने लोगों ने पहचाना लगभग? कम से कम अभी तो वहाँ पर इतना भीड़ नहीं थी, करीबन 5 से 10 लोगों ने मुझे पहचान लिया था। अरे मतलब ये तो एक वो आनंद रहते हैं, ये उसकी कोई तोड़ नहीं है कि जब आपको कोई पहचानने लग जाए। जी सर, YouTube से जो इनकम हुई है जी, इसके अलावा कहीं और से YouTube के कारण इनकम हुई है? जी मुझे जो कि स्पॉन्सरशिप भी मिलने लगी है, अभी अभी पहले नहीं मिलती थी, पर अभी जैसे हमारे व्यूज ज्यादा आने लगे हैं, मिलियंस में यूज गए हैं, तो उसके बाद मुझे स्पॉन्सरशिप मिलने लगी है। अच्छा, तो स्पॉन्सरशिप से अलग बेनिफिट हो जाता है? अलग बेनिफिट हो जाता है सर। अच्छा अच्छा सर, तो इसके अलावा और इनकम सोर्स क्या है यूट्यूब के अलावा? और मेरा एफिलेट अकाउंट है खुद का, अमेजोन एफिलेट अकाउंट है, उससे भी मेरी अर्निंग होती है अभी। तो दोस्तों देखिए, स्टडी भी चल रही है, पढ़ने में भी अच्छे हैं रामदयाल जी, और यूट्यूब पे भी अच्छा काम कर रहे हैं, YouTube पे काम तो कर ही रहे हैं, साथ में किसान भाइयों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बढ़िया और अच्छा काम है। भाई बहन क्या कहते हैं YouTube के बारे में? वो एक काफ़ी सारे ऐसा बोलते हैं कि यार मतलब तू कहाँ था और अभी कहाँ चला गया, मतलब कि इतनी छोटी उम्र में कैसे कमा रहा है, मतलब कि जो मुझसे बड़ी बहनें हैं वो अभी जॉब के लिए तैयारी कर रही हैं, फिर मैं उनको बताता हूँ देखो मैंने इस महीने इतनी पेमेंट ले ली, इतने मेरे सब्सक्राइबर हो गए, इतने लोग मेरे को जानते हैं, इतनी लाइक आने लगी है, तो वो सब देखकर अचंभित हो जाते हैं, मतलब कि यार देखो ये कहाँ था और ये वीडियो बनाकर कहाँ पर पहुँच गया है। तो अब आपके 80,000 सब्सक्राइबर है रामदयाल जी, जी, तो अब जल्दी ही 1,00,000 हो जाएंगे और जल्दी आपका सिल्वर प्ले बटन आ जाएगा। जी सर, तो दोस्तों सिल्वर प्ले बटन आ जाएगा इनका, तो अब आप जरूर आपके चैनल पे वीडियो डालेंगे? जी बिल्कुल डालूंगा। तो दोस्तों अगर इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखते हैं आप, तो इनका जब सिल्वर प्ले बटन आने वाला है जी, तब आप वो सिल्वर प्ले बटन देखेगा, YouTube की तरफ से एक अवार्ड होता है 100K सब्सक्राइबर पूरे करने पर, वो जल्दी रामदयाल जी को मिलने वाला है, तो उनको एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देता हूँ मैं, तो बधाई हो आपको। थैंक यू सर। जो यूट्यूब क्रिएटर हैं जैसे कई, अभी इस वीडियो को जैसे यूट्यूब क्रिएटर भी देखेंगे जी, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे, किस प्रकार से आगे ग्रो करना चाहिए चैनल को, या टॉपिक कौन सा लें, कुछ बताएंगे इसमें? देखिए अगर हम टॉपिक की बात करें वीडियोस बनाने के लिए, तो आपको जो ज़्यादा पसंद है, आपको जिस चीज़ में ज़्यादा रुचि है उसी चीज़ में जाएं, ऐसा नहीं कि मुझे इसमें ही ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो इसी में जाऊं, जैसे कि आज मैं अगर टेक कैटेगरी लेता तो मैं इतना आगे नहीं आ सकता क्योंकि मुझे उस चीज़ का नॉलेज नहीं है, पर अब जो लोग कर रहे हैं, मैंने तो अपना जो नॉलेज था वो इसी चीज़ में लगाया, मुझे इसी चीज़ में नॉलेज था, इसी चीज़ में इंटरेस्ट था, तो मैं आज यहाँ पर आ चुका हूँ। अच्छा अब आप मुझे आपकी छठी पेमेंट बताइए।
जी सर, छठी पेमेंट जो मेरी आई थी वो आई थी 11,500 से ज्यादा। 11,500 से, मतलब फिर 10 से 11,500। हाँ, वापस बढ़ी है। अच्छा। हाँ सर। और सातवीं? सातवीं सर, अभी जो मेरी पेमेंट है वो अभी इस समय आ रही है, जो कि अभी इस तारीख 22 तारीख को आने वाली है, तो ये जो मेरी पेमेंट आएगी ये करीबन 12,000 से 13,000 के बीच में आएगी। 12,000 से 13,000 के बीच। अच्छा, इन सारी पेमेंट्स में पेमेंट जब आती है जी सर, तो इसमें GST वगैरह कटता है कुछ, कितना कटता है बताएंगे थोड़ा हमारे व्यूअर्स को? जी सर, अभी तक मेरे सामने तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। जितना मेरे एडसेन के अंदर पैसे बताते हैं उतना ही मेरी बैंक के अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं सर। अच्छा, मतलब कोई ज्यादा कटिंग वगैरह कुछ नहीं सर, होता? नहीं होती। जितना शो कमाते उतना मिल जाता है सर। सिर्फ बैंक वाले 150-200 रुपए काटते हैं, जो कि उनका फोन चार्जेस वगैरह कमीशन, मतलब GST वगैरह कुछ नहीं कटता, केवल ट्रांसफर चार्जेस कुछ लगता है। बस वही कटता है सर। बस वही कटता है। हाँ सर, और वो भी फिक्स है सर, 150 से 200 रुपए। 150 से 200 रुपए से ज्यादा नहीं कटता। कामदार जी, आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स से? जी, इनके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, पास वाली घंटी जरूर से दबाएं, इनकी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा, और इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी जो ये बातें हैं वो किस तरह लगी। तो दोस्तों, ये रामदयाल जी के साथ इंटरव्यू आपको कैसा लगा ये इसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आप इससे इंस्पायर हुए हैं तो इस चैनल, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।